हम लोग जा रहे हैं मिचनार ट्रैकिंग करने के लिए। सेवा जोहर दोस्तों, मैं योगेंद्र नेताम और आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। ये हमारे दोस्त हैं और हम सब आज ट्रैकिंग करने जा रहे हैं मिचनार हिल, जो लोंडीगुड़ा से 17 किलोमीटर है ना, 17 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं फिर दिखाते हैं मिचनार हिल। तो दोस्तों, ये सामने सीधा रास्ता जा रहा है चित्रकूट वाटरफॉल के लिए और हम लोग इस रास्ते से जाएंगे। ये आपका रास्ता दंतेवाड़ा निकालता है कोड़ेनार होते हुए, तो हम इस रास्ते से जाएंगे मिचनार के लिए। तो हम लोग अभी हैं लोंडीगुड़ा में और यहाँ से खाने के लिए बिस्किट और पानी बॉटल और कुछ कुछ आइटम रख लिए हैं, ताकि ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो ऊपर कुछ भाई एनर्जी का ज़रूरत होता है। नीचे में एक और वाटर सोर्स है दोस्तों, आप देख रहे हैं, और ये वाटर सोर्स ऊपर से आ रहा है। तो ऊपर हम चल के दिखाते हैं आपको कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम लोग अब हाइकिंग शुरू करने वाले हैं मिचनार हिल की, और हमारा दोस्त पैकरा भाई साहब, सेवा जोहार, अब स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्त लोग सब आते हुए चढ़ाई का आनंद उठा रहे हैं सब। हेलो भाई, बहुत थकावट लग रहा है दोस्तों, अभी 250 फीट ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं। हाय, देख रहे हैं यहाँ के इतिहास की जानकारी है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ की पहाड़ी की खासियत ये है, आ रहे हैं ऐसा छोटा छोटा सुरंग नुमा बना है, ये कुछ लिखा है गुफा क्रमांक, देवी देवता वाला है। तो आपको हल्का सा ऐसा दिखा देते हैं, आगे जाना है और ये रास्ता। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ की चट्टान की अलग ही खासियत है, चूना पत्थर कौन सा है तो ये भूवैज्ञानिक जान सकते हैं, वही लोग बता सकते हैं जो भूगोल शास्त्र किए हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि अपन अभी घूम रहे हैं, कई पहाड़ियाँ घूम रहे हैं, कभी कभी देख के लगता है कह रहे यार ये तो छोटी सी पहाड़ी है, यहाँ पे क्या करने जाएंगे, ज़्यादा हाइट तो नहीं है, इससे बड़ी पहाड़ी चढ़ चुके हैं करके। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, आप हर पहाड़ी में एक नया चीज़ देखेंगे। यहाँ की चट्टाने कुछ अलग ही कहानी कह रही है, और आप इसको देखिए। वैसे और ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 100-200 फीट और चढ़ाई करना है, उसके बाद हाइट पे पहुंच जाएंगे। ये है यहाँ की गुफाएं, सुरंगें, और देखो कैसे गई है, अंदर तक गई है। आदमी को यहाँ जाने के लिए छोटा होना पड़ेगा और सुरक्षा का चीज़ और रखना पड़ेगा, तब जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे, यही चीज़ बोल रहा था। और दोस्तों, इस तरह से नज़ारे देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपको आगे और अभी दिखाएंगे। देखिए बहुत डेंजर रास्ता है, और इसको क्या कहेंगे आप लोग, देखो कई लोग जाते भी हैं यहाँ पे कुछ दूर तक। दोस्तों यहाँ पे माता जी का मंदिर है, और जल कामनी, हाँ यार, मतलब ना इधर से जल का रिसाव होता होगा, रिसाव तो हो ही रहा है,
और आता होगा, ये है आप देखो इस तरह कुछ दूर तक जाने लायक गुफा है। और दोस्त लोग आते हैं फिर हम लोग चलेंगे। यार मैं आज टॉर्च लेके नहीं आया, यहाँ जाने लायक था, सही जगह है। चलो देखते हैं, थोड़ी देर बाद चलेंगे, ऊपर से आ जाते हैं। सुरेश क्या सही जगह है यार, वाकई में मैं बोलता हूँ ना, हर पहाड़ी कुछ कहता है। अरे फिसलन है यार, मैं तो डेंजर। दोस्तों अभी वीडियो नहीं बनाता मैं, पहले आगे चल लेता हूँ, ऊपर से आपको दिखा दूंगा कहाँ से किधर से आया। डेंजर है यार, खतरनाक है, फिर बाद में गुफा भी दिखाएंगे। तो उधर से आए हम लोग। अरे यहाँ पे बहुत सारा कचरा, वास्तव में यार दोस्तों ऐसी जगह आओ तो कचरा ना फैलाओ। जो भी चीज़ें लेके आते हो, लेके ज़रूर आओ खाने पीने की चीज़, लेकिन उस कचरे को, वेस्ट चीज़ को आप साथ में रख के जाइए ना, लेके जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग भैरव गुफा। ये भैरव गुफा अंदर जाने का रास्ता थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ सभी जगह ऐसे हैं, जाने के लिए बहुत दिक्कत है। एक मिनट, ऊपर देखेंगे आप तो ये देख रहे हैं, गजब यार ये है। नीचे जाने का रास्ता भी है, और इधर एक और रास्ता है बाहर निकलने के लिए। तो देखते हैं इधर से निकल पाएंगे नहीं, तो निकल सकते हैं। मैं निकल रहा हूँ। ये उधर से आए हैं और यहाँ से सीढ़ी लगा कर रखे हैं। अच्छा हुआ कि बारिश नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ पे फिसलने का पूरा चांस। और बढ़िया यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए बना दिए हैं, हम चढ़ाई कर रहे हैं कैमरे के साथ। सकरा रास्ता भी है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं लेवल बढ़ते जा रहा है, जैसे कोई गेम खेल रहे हैं। कैसे सुरेश, यहाँ से पैर कहाँ रखूँ, अब सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। आप लोग बने रहिए वीडियो में। ऐसा आ गया दोस्तों ऊपर, क्या है, मैं एक हाथ को बचा के रखा हूँ वीडियो बनाने के लिए। और आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ से स्किप करके ऊपर सीढ़ी लगा हुआ है, और ये नीचे देखिए आप। सुरेश लुक एट मी, एक नंबर। तो मैं कह रहा था ना, यहाँ की पहाड़ी, यहाँ की चट्टाने कुछ अलग ही हटके बयां कर रही हैं। आपको दिखा चुके हैं क्या बयां कर रही हैं, यहाँ की जो गुफाएं हैं, छोटी छोटी सुरंगें बनी हुई हैं, पानी का रिसाव, ये सब चीज़ इन्हीं वादियों को बता रहा था मैं। कई जगह घूम चुके हैं और हर जगह कुछ कहता है, हर वादी कुछ कहता है। तो दोस्तों देख रहे हैं ये, इधर नीचे से हम लोग ऊपर आए हैं दोस्तों, है नहीं ज़बरदस्त। अरे वहाँ दूर हमारे भाई लोग बैठे हैं, बच्चे लोग बैठे हैं, वो लोग दूसरे ये उस पार आ गए हैं। ये दरारें दिख रही हैं ना आपको, तो उस पार चले गए हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, ये पहाड़ी की हाईएस्ट एल्टीट्यूड है 788 मीटर। आप फिट में निकालते हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लगभग 2300-2400 फीट की हाइट है। ये नज़ारे, मज़ा यार। बच्ची लोग भी आए हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं ना पहाड़ी चढ़ गए हैं। क्या नाम है? और आपका नाम? बरसा। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस गुफा में जाने वाले हैं, सुरेश और मैं। हाँ सुरेश, अरे बाहर से बनाना, अपन जा रहे हैं। जल कामनी माता के गुफा के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। और दोस्तों मैं अकेला जा रहा हूँ, बाकी साथी लोग तो नहीं जाएंगे बोले। और आप गुफा की गहराई देख सकते हैं, जय। तो गुफा के अंदर आगे बढ़ते हुए
बाकी कोई मेरे साथी लोग नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। और यहाँ पे लाइट कम है। जय माता दी। तो दोस्तों हम लोग गुफा के अंदर हैं और आप देख रहे हैं माता की मूर्ति। यहाँ पे थोड़ा धुंध भी आ गया है तो दिखाई नहीं। अब हम लोग आगे अंदर जा रहे हैं, पूरा झुक के चलना पड़ रहा है। और आपको एक चीज़ दिखाएंगे, यहाँ पे जल कामिनी क्यों कहते हैं, यहाँ पे पूरा पानी का रिसाव हो रहा है, जो चमक रहा है ना। तो मैं हूँ गुफा के अंदर, आप देख रहे हैं किस तरह से है। और ये इधर से अपन बाहर निकलेंगे, आपको पीछे नज़र नहीं आ रहा होगा, एग्जिट पॉइंट हल्का सुजाला आ रहा होगा, देख सकते हैं। ये होता है, ऐसा है यार, ये सब करना पड़ता है। मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, आगे बढ़ते नहीं तो नहीं दिखाया था, सामने का दिखा रहा था। सुरेश को बुलाया तब वो आया, नहीं आ रहा था। देख भाई, ये भी इंजॉयमेंट होता है एक तरीका का, बोल के निकलते हैं यहाँ से। हो गया दोस्तों, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और एक बार और बता देता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।